वो आदमी पुलिस की बाइक लेकर भागा है। बाइक का नंबर है K02EA4989। ब्लैक जींस पैंट पर उसने ब्राउन लेदर जैकेट पहना है। उसका कद तकरीबन 6 फुट है। बाल लंबे हैं और हेयर बैंड लगाया है। देखने में काफी स्मार्ट हीरो जैसा लगता है। अलसुर गेट थाने में हूँ, स्पॉट पर निकल ही रहा हूँ। ओवर, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। ओवर। हेलो, कौन है आप? रुक जाइए। Hey, what the hell are you doing? Thank you.
आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच, नाम है विजय कुमार। तो मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूं जानते हो? तुमने अब तक जितने खून किए उन्हें तुम एक बार भूल सकते हो, लेकिन अब यहां से तुम्हारे मरने तक मेरा नाम नहीं भुला सकोगे। बहुत घूर लिया, अब मुंह खोलो, बताओ उस डॉक्टर और एसआई को क्यों मारा तुमने? जब भगवान बहुत खुश होता है तो खुशी में बहुत सी चीजें बनाता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता है तब वो सिर्फ मुझ जैसे आदमी को ही बनाता है। डायलॉग बहुत ही अच्छा है, अब स्टोरी बता। मेरा नाम भरत है, भारत प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस का एमडी। रियल एस्टेट बिजनेस को मैं कॉर्पोरेट तरीके से कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अंजलि, कैन यू कम इन विद माय कॉफी? या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, योर कॉफी। थैंक यू, फॉरगेट इट। एनीवे, क्या अपॉइंटमेंट से आज? सर, पुट्टास्वामी एक अच्छा सा प्रपोजल लेकर आए हैं। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, इस बात का ये एक बहुत बड़ा सबूत है मेरे भाई। आहा, 50 एकड़, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 करोड़ की बात है मेरे भाई। 50 एकड़ बंजर जमीन है, उसमें से 10 एकड़ आदिवासियों की लावारिस पड़ी हुई है, और बाकी 40 एकड़ पर हाथ साफ करने के लिए और 40 लोग पीछे पड़े हैं। सबको पटाके मैंने अपने सीने पे बैठा के रखा मेरे भाई। और तो और, चीफ मिनिस्टर का दामाद भी उस पर नजर जमाए बैठा है। अगर जमीनें हमें बेचेंगे तो एक एक का 10 लाख रुपए मिलेगा, और मना किया तो जिंदगी भर उंगली चूसते रह जाओगे, ऐसा उन्हें बता कर आया हूं मैं। अब अगर तुम मान जाओगे तो फायदा ही फायदा होगा मेरे भाई। अगर मानेंगे तो अच्छा होगा सर, हमारी कंपनी की प्रोफाइल और अच्छी हो जाएगी। 1 एकड़ का 10 लाख के हिसाब से अगर हम 5 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत है। ऊपर से 1 करोड़ खर्चा करके बीच के लोगों में बांट देंगे, फिर हमें 1 एकड़ के पीछे मिनिमम 1 करोड़ का फायदा होगा। तुम्हें वहाँ चलकर उनसे सिर्फ एक ही बात करनी होगी बस, और वो बात क्या है पता है? किसानों के आगे हाथ जोड़ना पिताजी कहते थे कि भगवान के आगे हाथ जोड़ने जैसा है। आप सबको मेरा नमस्कार। पहली बात में तुमने सबको फ्लैट कर दिया मेरे भाई। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं आपकी जमीनें खरीदने नहीं आया। लेकिन दूसरी बात में तुमने तो मुझे ही फ्लैट कर दिया मेरे भाई। अरे ये क्या बात हुई, जमीन खरीदनी है बोलकर? कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस हड्डी को कई लोग तोड़ने में लगे हैं। बारिश की जरूरत पर बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो फसल नहीं होती, फसल होती है तो कीमत नहीं मिलती, और कीमत मिलती है तो वो आप तक पहुंचती नहीं, बीच में कोई ब्रोकर खाकर चला जाता है। हाँ। माना कि आज किसानों की कीमत नहीं है, लेकिन जमीन की बहुत कीमत है, फिर भी उनका उद्धार हुआ है क्या? हाँ। एकदम लाख टके की बात कर रहा है मेरा भाई, मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? मैं आपको पैसे देकर आपकी जमीन खरीद लूंगा, कल किसी और को करोड़ों में बेचूंगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कुछ धंधा करना है बोलकर वो पैसे कुछ दिनों में खर्च कर देंगे। ऐसा ना हो इसलिए मैं आपकी जमीनें खरीद नहीं रहा, उसके बदले में मैं आप सबको अपना पार्टनर बना रहा हूँ, जो फायदा होगा हम आपस में बांट लेंगे। थैंक यू। आहा, ये क्या कर दिया तुमने मेरे भाई, कितनी मुश्किल से अपना पूरा दिमाग लगाकर इन्हें बोतल में उतारा था, बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ आ गए, और अचानक मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया तुमने मेरे भाई? बिजनेस मतलब सिर्फ फायदे के बारे में सोचना नहीं होता पुट्टा स्वामी, प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं औरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली बिजनेस में ये सब नहीं चलता।
बॉस, व्हाई डोंट यू शट अप एंड डू योर ओन जॉब अंजलि। सॉरी सर, सॉरी। यप। पुट्टस्वामी, एक पते की बात सुनो। हर घंटे हजारों लोग पैदा होते हैं और हजारों लोग मर भी जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी उम्र लंबी होती है। पता नहीं क्या कहा, इसकी बातें मेरे भेजे में घुसने के बजाय प्लेन की इतने सर के ऊपर से चले गए मेरे भाई। माँ, खाना लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। खाना कब से तैयार है? अच्छा है, बहुत ही फास्ट हो। आज क्या स्पेशल बना है? अरे यार माँ, ये क्या है? सांबर है बेटा। मूली का ही सांबर क्यों? बंद करो इसे जल्दी से प्लीज। मूली का सांबर इसे पसंद नहीं है, जानते हुए फिर भी तुम बनाती हो। आप जरा चुप रहेंगे, सब्जी कितनी महंगी है आपको पता है क्या? इसकी पसंदीदा सब्जी लाऊंगी तो महीने भर का बजट मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। रोज हजारों रुपए पेट्रोल में फूंक देता हूँ मैं, तो अच्छा खाने के लिए 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता हूँ क्या? इसके लिए भी हिसाब रखती हैं आप? फिर भी कहीं न कहीं से महीने का बजट बढ़ ही जाता है। आप जरा चुप रहिए। देख बेटा, मेरा हिसाब मुझे देखने दे, तेरा हिसाब तू दे। चुपचाप जो बनाए खा ले उससे। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं खाने वाला। आज भूखा ही रहना पड़ेगा। भूखे बेवकूफ लोग रहते हैं, अकलमंद क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? पड़ोसी के घर खाना खाने चले जाते हैं। पड़ोस में मेरे पिताजी के दोस्त रहते थे, रामनाथ जी, पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हाय अंकल, क्या ब्रेड खा रहे हैं क्या? तबीयत ठीक तो है ना? इनकी तबीयत को क्या हुआ है, अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं। मैंने पड़ोल का सांबर बनाया है, इस गुस्से से स्ट्राइक करके ब्रेड और जैम खा रहे हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या अंकल, आपको परवल की सब्जी नहीं पसंद है? छे, ये भी कोई सब्जी है? उसे देखता हूँ तो मुझे टेंशन होने लगी। कुछ भी हो आंटी, अंकल को अगर ये नहीं पसंद है तो आपको नहीं बनाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। मेरी पसंद की किसको पड़ी है? बात तो सही, तुम्हारी पसंद चलती है। मतलब सुबह तेरी माँ ने मूली ली, तभी मैं समझ गई कि तुम आज हमारे घर ही खाना खाने आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई। अच्छा, जल्दी से खाना परोसिए। ये लो। नो। ओ। पीए की बात नहीं सुनते पर पीए के घर का खाना चाहिए। शट अप एंड आउट। क्या हुआ है तुझे, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ, इसने क्या किया है तुम्हें पता भी है? आंटी, आपको स्टोरी सुनाएगी, आप आराम से सुनिए, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। हाथ मत लगाओ। ये सब क्या है बेटी? पापा, आज इसने मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट की है पता है आपको? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? सबके सामने इसने मुझे शट अप बोला। बोलने दो ना बेटा, शादी के बाद गायब बंद कर रहे हैं। मुझे कहता है कि तुम अपना काम देखो। करेक्ट, शादी के बाद सारी औरतें अपना अपना काम देखेंगी तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। कौन कहता है ऐसा, नाम तो बताइए। अरे मैंने नहीं कहा, किसी ज्ञानी आदमी ने कहा है। उस ज्ञानी को यहाँ लेकर आइए, झाड़ू से पिटूंगी मैं। हैंग ऑन, हैंग ऑन। यहाँ पर झगड़ा हम दोनों का हो रहा है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? गुड पॉइंट, हम लोग रात को झगड़ा करेंगे, तुम लोग अभी झगड़ो। गया काम से। क्या समझते हो अपने आप को? पहले मेरी बात सुनो। कभी भी घर की बात को ऑफिस नहीं ले जाते और ऑफिस की बात घर पे नहीं लाते हैं। क्यों अंकल, सही कहा ना मैंने? करेक्ट। नहीं नहीं, तुम्हारी बात सही है, बोल रहा हूँ बेटी। अंकल आप ही बताइए, हमें बिजनेस में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, अब इसकी बात सुनकर मुझे उनके खिलाफ जाना चाहिए क्या? आप ही बताइए। मैंने कब मना किया? अरे, बोला अरे, मैंने कब मना किया? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बताया, या फिर तुम्हें उसके बारे में सुनना चाहिए था या फिर छोड़ देना चाहिए था। उसके बजाय तुमने पुट्टू स्वामी की बात सुनी और मेरी इंसल्ट की। व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, तुम किसी के सामने मेरी इंसल्ट कर सकते हो? और मैं चुप रहके ये तो देखो, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। यस आई हैव दिस। भरत, डोंट इरिटेट मी नाउ। नॉट एट ऑल। यस प्लीज। ओके, यस, या, that's it. Idiot. Infantry Road के पास जॉनसन नाम के एक आदमी की प्रॉपर्टी थी और उसे बेचने का काम हमें मिला था। अरे ये पॉट वॉट तोड़ना मुझे पसंद नहीं है, अगर फोड़ना ही है सर फोड़ना चाहिए। पीजी जॉनसन और उनकी पत्नी मैरी जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन, वाह। मैं कौन हूं पता है? जेराज। डरिए मत, डरिए मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, अच्छा आदमी हूं। I am a good man. और अच्छा बना रहने के लिए ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I mean, आपकी प्रॉपर्टी है ना,
इसे मुझे बेच दीजिए बस। लेकिन हमारे एरिया में एक स्क्वायर फीट का भाव 15,000 चल रहा है और आप लोग 2,000 के भाव से मांग रहे हैं। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन, मरने के बाद तुम लोगों को कितनी जगह चाहिए? 6x3 की जगह मेरे ख्याल से बहुत है, उससे ज्यादा की आशा करना तो बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर एक हफ्ते में आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो स्क्वायर फीट का हिसाब तो दूर, 6x3 की जगह भी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं बिल्कुल बुरा आदमी नहीं हूं, और अच्छा बना रहूं इसी में तुम लोगों की भलाई है। ट्रैप, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी इस तरह जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी की जो भी कीमत है वही आपको दिलाऊंगा। चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आते हैं, कानून भी कोई चीज है। दिस इज इंडिया, हमारा हक कोई नहीं मार सकता। तो भी चुपचाप चैन से जीने देना भी तो चाहिए। Excuse me, sir. इंस्पेक्टर से मिल सकते हैं क्या? 10 मिनट के बाद राहु काल खत्म हो जाएगा, फिर मिल लीजिए। क्या कहा आपने? राहु काल खत्म हो जाएगा, फिर मिल लेना भाई। ओके, come in, sir. Come in. आइए बैठिए। थैंक यू, कम सर, दिस इज आवर कंप्लेन। मिस्टर जॉनसन, आपकी प्रॉपर्टी जयराज आपसे नहीं छीन सकता, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, अगर इन्हें थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाए तो हमें खुशी होगी। आपकी तारीफ। भारत, काट दो। भारत प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस का MD हूं मैं, इनकी प्रॉपर्टी मैं ही हैंडल कर रहा हूं। भारत प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। सिक्योरिटी देने से जयराज अलर्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इस केस में उसकी प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बेफिक्र रहिए। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आप दोनों रुकिए। वी वो हमारे साथ हैं, उन्हें घर ड्रॉप करना। नॉट टू, इन्हें हमारी गाड़ी में घर ड्रॉप कीजिए। आप चलिए हमारे। ओके सिट। आपका डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ किस लिए? सवाल का सवाल नहीं, जवाब चाहिए मुझे। डेट ऑफ बर्थ? ठीक है, 9/9/1983। टाइम? भारत, टाइम 10:30 सुबह। जस्ट वेट, नो फाइन। कंफर्म्ड। आपका नाम? अंजलि, इनकी PA हूँ। माय डेट ऑफ बर्थ इज। उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे दूर रहो बस। एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ही इज अ चीट। ओह, आई एम सॉरी बट यू हैव टू बी सॉरी। न्यूमरोलॉजी, कुंडली, तुम्हारी फेस रीडिंग, सब कुछ साफ साफ साबित कर रहा है कि तुम एक चीटर हो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? शट अप। तुम्हारी ये कुंडली क्या कह रही है पता है? तुम एक बहुत बड़े क्रिमिनल बनने वाले हो, खून करने वाले हो। उसे कैसे रोकना है, क्या करना है, ये सब बाद में बता दूंगा। लेकिन अब तुम्हें एक बात बताता हूं, इस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। यह अच्छा आदमी नहीं है, इसके अंदर लालच बहुत भरी है। दूसरी लड़की के लिए, उससे मिलने वाली प्रॉपर्टी के लिए ये तुम्हें धोखा देगा। क्या बक रहे हो तुम? भरत, काम डाउन प्लीज। भरत, काम डाउन। आई एम फाइन, रिलैक्स। Thank you for your fantastic advice and suggestions. Okay, अब आपको मेरे या मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कुंडली, भविष्य और न्यूमरोलॉजी बताने के लिए बाहर अच्छे अच्छे ज्योतिष बैठे हुए हैं। We can consult them. और आप ये जो केस है ना, उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए। Everything will be fine. Damn it.
ओए बच्चन, हाइट है सोचकर, खुद को यंग अमिताभ बच्चन मत समझना, एंग्री यंग मन की तरह लुक मत दे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं, बीमार होने के बाद दवा लेने के बजाय बीमार ही ना हो इस चीज का ख्याल रखना अक्लमंदी है। मैं क्राइम होने के बाद केस लेने वालों में से नहीं हूं, बल्कि क्राइम ही ना हो ऐसी सोच रखता हूं। तू क्राइम करेगा, क्रिमिनल बनकर रहेगा, आज के बाद तेरी लाइफ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। भरत प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, भरत काम डाउन, भरत काम डाउन, भरत, ओह माय गॉड, इट्स ब्लीडिंग भरत। आर यू ओके? यप। नाम? भरत। फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ ना डॉक्टर? Look at this. What's that? ये क्या डॉक्टर? Don't eat sweet? इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसका मतलब है मीठा मत खाइएगा। Good joke. It is not a joke. It is your prescription. Don't eat sweet. Okay? क्यों? अब मुझे शुगर है क्या? No. तो फिर स्वीट खाने में क्या प्रॉब्लम है? आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल हो भी सकती है, इसलिए आज से ही आपको परहेज करने के लिए कह रहा हूं मैं। हमारी फैमिली में किसी को भी शुगर नहीं है। हमारी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं बना, तो क्या मुझे भी नहीं बनना चाहिए था? इन बातों का इस चीज से क्या ताल्लुक है? वो आपको जानने की जरूरत नहीं है और मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए पेशेंट। डॉक्टर का हर कहना मानना पेशेंट का काम होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने के बाद दवाई लेने के बजाय बीमार ही ना हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दैट्स माई जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब, यू बेटर कोऑपरेट। यप, थैंक यू। चलो। थैंक यू। चलो चलो। एक्सक्यूज मी। नाउ व्हाट? मैं जानता हूं बाहर जाते ही आप उस प्रिस्क्रिप्शन को डस्टबिन में फेंक देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने जो एडवाइस दी है उसे हमेशा अपने दिमाग में रखिए, वरना आई एम सॉरी, आपका जीवन नरक हो जाएगा। मैं तो उस इंस्पेक्टर को बेवकूफ समझ रहा था, ये तो उसका भी बाप है। अरे पर ये मेंटल आखिर डॉक्टर कैसे बना? ये फुल मेंटल नहीं है, हाफ मेंटल है, तुम्हारी तरह। यू भरत? मजाक कर रहा हूँ यार। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तुम लोगों पर कि जी कर रहा है कि तुम्हारे शरीर का पूरा खून पी जाऊं। उस दिन कहा था ना मिस्टर जॉनसन कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, अच्छा आदमी हूं, आई एम ए वेरी गुड मैन। इसलिए तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, खुश रहो, जाओ आराम से जियो, कहा आराम से जियो। आज के बाद से ये प्रॉपर्टी मेरी है। क्या? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। अब क्या करेंगे भरत? गुंडागिरी के सामने गांधीगिरी करके कोई फायदा नहीं होगा, बच्चनगिरी दिखानी पड़ेगी। बच्चन? मेरा मतलब हाइट, पर्सनालिटी से देखने में पूरी तरह अमिताभ बच्चन जैसा लगता है। मी, मी, मी।
हमारे अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करने आया है ऐसा लगता है। जाओ पता लगाओ वो कौन है। देखता हूँ भाई। कौन है सर, आपको क्या चाहिए? भाई ये लेने नहीं आया, देने आया है। सीधी तरह से ये प्रॉपर्टी खाली कर दो वरना ऐसी हालत करूंगा कि अपनी टांगों पर कभी चल नहीं पाओगे। रुक जाओ, इस नौटंकी से मैं निपटता हूँ। कौन है वे तू? ठीक तो है ना भाई? भाई शुक्र है आपके हड्डियां सलामत है। कौन है ये आदमी? भाई आप जिंदा तो है ना भाई? अबे कालिया कौन है ये? भाई आप बार बार कौन है मत पूछिए, पूछेंगे तो फिर से सॉलिड पड़ेगी। क्या ढूंढ रहे भाई? गन कहाँ है? मुझे रखने के लिए दी थी भाई गन। क्या? आपने मुझे रखने के लिए दी थी ना, मुझे लगा कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं शोकेस में रख के आ गया भाई। आप क्यों हमारी इस तरह धुलाई कर रहा है? ये जो धुलाई की है ये तो सिर्फ विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड है? बड़ा ही लाजवाब है, लेकिन एक छोटा सा डाउट है, आपने ये विजिटिंग कार्ड हमको देने का कष्ट क्यों किया भाई? मेरी साइड में आकर तू बिल्डिंग बना रहा है इसलिए। क्यों है? अबे कालिया। हाँ भाई। ये तो हमारी साइड है यार। है ना भाई? तीन साल पहले आपने उस मफतलाल के मुंह में गन रखकर अपने नाम पर करवाया था ना। तो फिर ये कौन है? हाथ पैर मत चलाना, बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है भाई, ये जगह तो मेरी है भाई, आप चाहें तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा सकता हूँ। उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स देख ले भाई। कैच। ये सब क्या है भाई? मेरी सारी साइड आपके नाम कैसे हो गई? नो नो, ये मुमकिन नहीं है, ये नकली है। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन ये बात कोर्ट में साबित करने के लिए तुझे कम से कम 20 साल लग जाएंगे, ये तू भी अच्छी तरह से जानता है। सीधी तरह डॉक्टर जॉनसन की प्रॉपर्टी से दूर हो जा, वरना इसी तरह नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर तेरी सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवाने की ताकत और अकल मेरे पास है, समझ गया? पड़ी हुई मार के साथ मेरी बात भी अपने भेजे में उतार ले, फायदे में रहेगा, क्योंकि जब मैं कूल रहता हूं तो जेंटलमैन रहता हूं, और जब सटकती है ना बे तो दौड़ा दौड़ा के और पटक पटक के मारने वाला बच्चन हूं। क्या कहा मैंने? दौड़ा दौड़ा कर पटक पटक के मारते हो बच्चन। वैसे आज किस बकरे के साथ अपनी मीटिंग है मेरे भाई? पोटेस्वामी, क्लाइंट के बारे में ऐसी घटिया बात नहीं करते, कितनी बार समझाया मैंने तुझे? सॉरी मेरे भाई, आदत से मजबूर हूँ।
जॉनसन की पोती के साथ। नाम है मोनिका। उस बुढ़े की पोती भी है क्या? एक्चुअली वो लंदन में रहती है। हाँ। ये प्रॉपर्टी उसी के नाम होनी है। हाँ हाँ। ये जो लफड़े चल रहे हैं ना, हाँ, उसी सिलसिले में इंडिया आ रही है। उसकी शादी हुई है क्या मेरे भाई? नहीं, उसके दादा उसके लिए इंडिया में ही कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं भी ट्राई करूंगा मेरे भाई। तू लड़का ढूंढेगा उसके लिए? ऐसे किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। अभी तक मेरे बेटे को अच्छी लड़की नहीं मिली, इस बात को लेकर मेरी माँ रोज अपने आंसुओं से अपने हाथ धो रही है। पर क्यों, तुम्हारे घर में पानी नहीं आता क्या? कंट्रोल पुट्टस्वामी, कंट्रोल कंट्रोल। तू उसे शादी का प्रपोजल देना चाहता है ना, तो देना, मैं भी तुझे सपोर्ट करूंगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अगर कोई मेरी पत्नी बनेगी तो यही बनेगी। यस। थैंक यू। By the way, this is Anjali, my PA. Hi. I am. This is Mr. Tell, you know, tell. I am Puttaswamy, small god, small god. Nice to meet you. Hey. Namaste. You see, I am landlord. This god. Okay. मुझे हिंदी अच्छी तरह से आती है। हिंदी में ही बोलिए। देखो, मेरे नाम पर बेंगलोर में 4 साइट है, मेरे 4 बैंकों में 4 अकाउंट हैं, और मेरे मम्मी डैडी का मैं इकलौता सन हूँ। मेरे भाई बहन आजू बाजू कोई भी नहीं है। कुंवारा है? अभी इसकी शादी नहीं हुई? या मैंने इस बारे में नेट पर पढ़ा है, इंडिया में सारी लड़कियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉक्टर से शादी करना पसंद करती हैं। ऐसे लड़कों को भाव ही नहीं देती। आई फील सो सॉरी फॉर यू। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी ही उम्र की किसी विधवा से शादी करके उसे नई जिंदगी दे दीजिए। किसी लड़की से शादी कर बोलने के बजाय उसकी माँ से शादी करने की बात कर रही है। भारत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सच गुड केयर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इट्स पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड। ऑफ कोर्स नॉट। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके बारे में बहुत सी बातें बताई। दे रियली लाइक यू। थैंक यू। वेल, पेपर्स रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। आप जब कहेंगी तो वो। आई एम कूल। आप जब कहेंगे तब आ जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ। मेरे लंदन जाने से पहले आपको एक बार हमारे घर आना होगा। ऑफ कोर्स आऊंगा। ओके देन, बाय बाय। इसे गले लगाया, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। वंस अगेन सॉरी पुट्टस्वामी, लेकिन मेरी एडवाइस को सीरियसली लीजिएगा। अगर और देर की तो लाइफ लॉन्ग आपकी शादी नहीं होगी। बाय। यस। अंजलि, अरे लगता था तापमान काफी बढ़ गया, ठंडा करना पड़ेगा भाई। तू बिल भर देना। बिल मैं भर दूँ? बिना किसी वजह के गुस्सा करना लड़कियों की फितरत होती है। व्हाट्स योर ओपिनियन? देखो, फॉरगेट इट। अरे यार, तुम बिना किसी रीजन के गुस्सा क्यों हो रही हो? यू इडियट, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हां, पीपल आर वाचिंग। मेरे सामने तुम उस अंग्रेज से चिपक रहे थे। अरे मैं कब चिपक रहा था? वही चिपक रही थी यार। इट्स जस्ट अ वेस्टर्न कल्चर, इसमें बुराई क्या है यार? मुझे अपनी पीए कहकर क्यों इंट्रोड्यूस किया? कम ऑन, इट्स जस्ट अ बिजनेस, ये कल्चर है। मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी पीए हो, व्हाट्स रॉन्ग? ओह रियली? या तो फिर आज से इस पीए को नाम से मत बुलाना। अरे अंजलि, अंजलि लिसन टू मी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तो उस मोनिका को अपने दिमाग से निकाल दो कंप्लीटली। मुझे और मेरे प्यार के बारे में सोचो, ठीक है ना? ऑलराइट। अब मैं क्या करूंगा? मैं 3 तक गिनूंगा, 3 गिनकर चुटकी बजाऊंगा, फिर तुम क्या करोगी? मुझसे गले मिलोगी। ऑलराइट। 1 मेरे गुस्सा होने पर मुझे कैसे मनाना है ये तुम अच्छी तरह से सीख गए हो। एक लड़का होके एक लड़की को हैंडल करना नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? हैव इट। नाइस। या नाइस। मिस्टर, व्हाट द, व्हाट इज दिस? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। क्या कर रहे हैं? यू नो समथिंग, आजकल खून करने के लिए छुरी, तलवार, रिवॉल्वर कुछ भी नहीं चाहिए। 1/2 किलो शुगर बहुत है, क्योंकि आज की डेट में 75% लोगों को शुगर की बीमारी है। डॉक्टर,
आपका हॉस्पिटल मेरे घर के करीब था, इसीलिए मैं आपके हॉस्पिटल में आया था, ओके? दोबारा कभी नहीं आऊंगा, ना तो आप मेरे डॉक्टर हैं और ना ही मैं आपका पेशेंट हूं, ओके? चाहे आप मुझे डॉक्टर ना समझें, लेकिन आप मेरे पेशेंट हैं। Damn it. एक बार जिसने मुझसे इलाज करा लिया, मैं उसे हमेशा अपना पेशेंट समझता हूं। उसकी सेहत का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। अंजलि, जल्दी से इस मेंटल को यहां से रवाना करो। दिस इज व्हाट आई मेंट। आप में गुस्सा बहुत है, उससे बीपी बढ़ता है, वो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज। शट अप ब्लडी, विल यू प्लीज लीव नाउ, प्लीज। बी केयरफुल फॉर व्हाट यू विश भारत, इट माइट बी ट्रू। इस तरह डॉक्टर को भगाने से कल जब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो नहीं मिलेगा। hey, दफा हो जाए यहां से प्लीज। ओके, अब क्या है? आपको आइसक्रीम खानी है ना, इतना ही ना? hey, what? पागल हो गया। अब जो मैंने नमक डाला है उससे आइसक्रीम का शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। अब इसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज एंजॉय योर आइसक्रीम। थैंक यू। हाँ, एक्सक्यूज मी। यस सर। ये पकड़ो, उससे बिल मत लेना, चेंज तुम्हें रख लेना। थैंक यू सर। लिसन सर, अगर नेक्स्ट टाइम आकर वो आइसक्रीम या किसी भी मीठी चीज का ऑर्डर करे तो इस नंबर पे फोन करना। बाय। इन प्रॉब्लम्स के दौरान ही मेरे और अंजलि के पेरेंट्स ने हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी। दुनिया में हर एक घंटे में लाखों लोग पैदा होते हैं और हर एक घंटे में लाखों लोग मरते हैं, लेकिन अच्छा कर्म करने वाले लोगों की उम्र लंबी होती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ऐसा हमारे बॉस बार बार कहते रहते हैं बस। बहुत बड़े बड़े डायलॉग सुना रहा है ना? क्या बॉस, एसएससी में बुक मिली फिर भी कॉपी करके पास नहीं हो पाया, इसलिए आपके कुछ चार डायलॉग कॉपी करके भाई की नजर में थोड़ा इमेज बनाने के लिए सीधा है वीडियोस देना शुरू किया और इतने में आप आ गए। अजय सॉरी, आपको इंतजार करवाया। कॉफी लेंगे थोड़ी? हाँ तीन कॉफी बोलो। सर, आपको कॉफी में शुगर चाहिए या नहीं चाहिए? अरे अरे, आपको भी शुगर की बीमारी होगी मेरे भाई? ना 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 ना, अभी हो ही नहीं है, लेकिन हो सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि अवॉइड करना चाहिए, राइट बॉस? कैन यू गेट द कॉफी प्लीज? श्योर बॉस, थैंक यू। पता है भाई, आजकल लोगों का बीपी शुगर बढ़ने की वजह से सब लोग धड़ाधड़ हार्ट अटैक से लुढ़क रहे हैं, जहां भी देखो श्रद्धांजलि के मां। हेलो, हु इज दिस? बिल्कुल मत डरिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, आई एम अ गुड मैन। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, आपका घर ऑफिशियली अपने नाम पर लिखवाकर छोड़ दूंगा बस। तरह उन्हें छोड़ दे वरना तौड़ा तौड़ा के पटक पटक के मारूंगा। अरे अरे अरे, डर लग रहा है यार, डर लग रहा है। उस दिन मेरा टाइम अच्छा नहीं था, इसलिए गन घर पे भूल के आ गया था, लेकिन आज गन मेरे हाथ में है, होशियारी दिखाई तो सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। अबे कार्टून, बंदूक बच्चे भी उठा लेते हैं लेकिन उसे चलाने का जिगरा चाहिए जो तुझमें नहीं है बे। भाई भाई, 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 10 किलो चिकन, 10 किलो मटन और न जाने कितना अनाज खा जाते हो मेरा। अब जाओ मारो साहब, जाओ। क्या रहे हो, जाओ मारो। ए अतरंगी, उनमें से कोई नहीं आएगा। उस दिन जो मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था उसका पता अभी तक ये भूले नहीं है। अगर कोई भूला है तो वो सिर्फ तू है। ए ओ,
ओए अपने रास्ते की रुकावट बनकर आने वाले अपने एक विरोधी को अपनी हिम्मत और मजबूत पैरों की ताकत के दम पे लात मार के कानून की नजर में एक अपराधी कहलाकर अपने अपराध का खाता शानदार तरीके से खोल दिया है हमारे नए एंग्री यंग मैन बच्चन ने। इंस्पेक्टर, इस जयराज ने जॉनसन की फैमिली को। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। देखो, ये है तुम्हारा पहला अपराध और अब तुम एक अपराधी हो। अबे, लगता है तू जयराज की फेंकी हुई हड्डी को चबा के पूरी तैयारी से आया। डायलॉग मारने से सीटियां सिर्फ फिल्मों में ही बचती हैं बच्चन। अगर एक और डायलॉग मारा ना तो सीधा इनकाउंटर कर दूंगा। कॉन्स्टेबल्स, इस शहनशाह को जंजीर पहनाओ, यही लिखा है इसके नसीब में। फिलहाल इन लोगों को छोड़ दो, ठीक है भाई, इनसे अगली बार निपटेंगे। अरे आइए आइए रेखा जी। सर, मेरा नाम रेखा नहीं, अंजलि है। उस एंग्री यंग मैन बच्चन की रेखा तुम ही हो ना? मेरे लाख समझाने पर भी तुम समझ ही नहीं रही। उसका असली रूप अब सामने आ रहा है। लीगल लीगल कहने वाला आज इलीगल काम करके अंदर बैठा हुआ है। अगर मेरे पहुंचने में जरा भी देर होती ना तो वो मर्डर ही कर देता। ये सारा सिलसिला उसके लिए। उसके पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है, क्या है? नहीं सर, वो हमारे घर वालों ने हमारी शादी फिक्स कर दी है। आपका कहना सही है सर, वो अचानक बदल जाता है, अजीब तरह से पेश आता है। आप हमारे घर वालों से एक बार बात कीजिए, लेकिन प्लीज उसे छोड़ दीजिए। कितना प्यार है, बट यू आर टू लेट। मतलब? तुमसे पहले उसे वो बेल पर छुड़ा ले गई। वो कौन? मोनिका, 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 ओ माय डार्लिंग। अंदर चलिए, अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। Not this time. Okay. Take care. You too. Good night. Good night. Bye. Bye. Hey, Anju. बात मत करो मुझसे। इतनी देर कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें वहाँ छुड़ाने आई और तुम उसके साथ निकल चुके थे। अरे पहले बात क्या है वो तो सुन लो। उनके लिए मैं उन गुंडों से लड़ा, उसके लिए वो काफी कंसर्न्ड थे। तो उन्हें तसल्ली देने के लिए मैं उनके घर गया था। उनसे मिलकर मैं सीधा यहीं तुम्हारे पास आया हूँ। एक फोन करके मुझे बता तो सकते थे ना? कर सकता था, अगर भूल गया, सॉरी। अगर मुझसे प्यार होता ना तो तुम्हें जरूर याद आता। एक फोन नहीं किया तो तुम्हें लगता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? Try to understand, dear. Anju, please. भरत, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे इस भरोसे में अभी कहीं थोड़ा सा शक है। खैर छोड़ो, एटलीस्ट इसके पीछे तुम्हारा प्यार है, यही समझ लेते हैं। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, ओके? तुम्हारा भरत तुमसे कितना प्यार करता है जानती हो तुम? देखो, तुम्हें अपने भरत के करीब आना होगा। आओगी ना? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीन गिनकर चुटकी बजाऊंगा, उसके बाद तुम क्या करोगी, मेरे गले मिलोगी, ओके? 1 2
वेलकम सर, वेलकम टू भीमा ज्वेलर्स। सर सर ऊपर नहीं सर, यहाँ नीचे देखिए सर। क्या सर, अमिताभ बच्चन जितनी हाइट है इसलिए ऊपर देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा सर, थोड़ा नीचे भी नजर डालिए सर, राजपाल यादव जैसे भी लोग होते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो हमारी वैल्यू है। गुड डायलॉग सर। क्या चाहिए सर? मूंगफली। मूंगफली? जोकिंग। मुझे एक प्लैटिनम रिंग चाहिए, इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट प्लीज। अच्छा जोक करते हैं सर, प्लीज कम सर, आइए आइए। हाय भरत। हाय, हाउ कम यू हियर? एंगेजमेंट रिंग लेने आया था। वाओ, कंग्रेट्स। वेल, वेलकम मैडम। सर एक बात कहूँ, आप दोनों की जोड़ी अपने सिलसिला फिल्म है ना, अमिताभ बच्चन और रेखा की तरह है ना। इन्हें मैडम, आपको कौन सी रिंग चाहिए सेलेक्ट कीजिए ना, आप जो भी रिंग पसंद करेंगी ना सर को भी वही रिंग पसंद आएगी, है ना सर? हाउ नाइस, ओके, नाइस जोड़ी। जो भी कहना जल्दी कहिए सर, गर्दन दर्द कर रही है, ज्यादा देर ऊपर नहीं देख सकता सर। मेरी होने वाली पत्नी वो नहीं है। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। पूछ सकता हूँ इतना इमोशनल क्यों हो रहे सर? ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं मिली इसलिए सर। नो 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 नो, क्या करे सर, मेरी कहानी सुनिए ना। नहीं मुझे जरा सर प्लीज सुन लीजिए ना। सुनाइए। थैंक यू सर। जिससे मेरी शादी होने वाली थी मुझे उसके लिए रिंग खरीदनी थी, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले गया सर। मतलब होने वाली बीवी अलग गर्लफ्रेंड अलग? हाँ सर करेक्ट सर। हाँ तो ये वाली ठीक है ना? हाँ कहिए। उसने ना एक रिंग सेलेक्ट कर ली सर। ये सर अच्छी ना, अच्छी ना, ये वेरी नाइस। बाद में क्या हुआ पूछिए सर? क्या हुआ? उसने वो रिंग निकाली ही नहीं सर। अच्छा व्हाट? लू लू लू, गो 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 गो। वहां से 9 to 11 हो गई, मैं भी इंतजार करता रहा मगर वो भी नहीं आई और रिंग भी नहीं मिली सर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आगे बोलिए। आगे क्या सर, बिल भर के घर चला गया। बिल तो भरना ही पड़ता ना। है ना सर, लेकिन मैंने एक सबक सीखा। क्या? नेक्स्ट टाइम एक और गर्लफ्रेंड को साथ लेकर गया, लेकिन जब तक उसने रिंग सेलेक्ट नहीं किया मैंने उसे मैटर ही नहीं बताया सर। कितनी प्यारी उंगली है ये, तुम पर बहुत जचती है। बाद में बताया कि किसके लिए खरीदा? बताया ना सर, दिस इज फॉर माय वाइफ। फिर उसने क्या कहा? यू आप तो दांत टूट गए सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, नए दांत बिठाए और क्या करता। अच्छा वैसे आपकी शादी हुई कि नहीं? अरे बहुत धूमधाम से हुई सर, ग्रेट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है सर, हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ है। वैसे सर एक पत्नी पति से हमेशा क्या चाहती है सर? यही कि उसका पति साथ रहे। अरे सर, अरे सर, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी नहीं है सर, हमेशा काम पर जाइए काम पर जाइए कहती रहती है सर। अच्छा जानू, बाय बाय, आई लव यू, दरवाजा बंद कर दो। काम देने वाला मालिक हमारे लिए भगवान समान है, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है कहती रहती है। कितनी अच्छी पत्नी मिली है मुझे। आपके मालिक का दिखाई नहीं? वो यहाँ नहीं है सर, यहाँ आते भी नहीं है। वो क्यों? वो हमेशा अपने घर में रहते हैं सर। और उनका घर कहाँ? अरे हमारे घर के बगल में है। बाय जानू। बाय। सी यू। सी यू। सी दी। चल 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 चल। आप हंस क्यों रहे हैं सर? सॉरी यार। व्हाट इज दिस? क्या सर कुछ लेने से पहले आप मुझे टिप दे रहे? ये आपके उस त्याग के लिए। त्याग के लिए? कैसा त्याग? अच्छा यही होगा कि वो आपको पता ना चले। वो कहते हैं ना कि दाएं हाथ से किया हुआ त्याग, आई मीन दान, अपने बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, है ना? यप, ऑल द बेस्ट, ग्रेट ग्रेट कैरेक्टर, सेम मेरी पत्नी की तरह। हैव यू चोजन एनीथिंग? Still figuring out. Hey, by the way, लड़की कौन है? तुमने कभी बताया नहीं? उस दिन होटल में मिली थी ना? Personal secretary Anjali. Actually, we are childhood friends. Oh, अच्छा. तो उसे ही रिंग पसंद करने के लिए क्यों नहीं लेकर आए? Just surprise देना चाहता हूँ. So sweet, huh? How's this one? What do you think? Hey, it's cute. Very nice. Can we try? Size check? Sure. Why not? Beautiful. Yep. We are engaged. Done. We are engaged. hey guys, look, we are engaged. Excuse me. Okay, okay. Just kidding.
Take your ring, keep it. All and right. I'm not there for your engagement. But please make sure I'm part of your wedding celebration. Okay? Oh, yeah. Done? Why yeah? not? Great. So happy for you. जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हें मेरी याद आएगी तो मेरी फेवरेट चॉकलेट खाना इस टेस्ट में मैं रहूंगी। भरत, डोंट ईट द स्वीट, डोंट ईट द स्वीट, आई वॉन्ट यू, डोंट ईट स्वीट। वो चॉकलेट मत खाओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, वो चॉकलेट खाने से तुम मर जाओगे। अब मैं ये तेरे सामने ही खाऊंगा और ये देखकर तुम मरेगा बेवकूफ कहीं का। नो भरत नो। नो नो एक दो डॉक्टर की बात ना सुनना सेहत के लिए हानिकारक है। पिटी यू। अच्छाई को कमजोरी समझना हानिकारक होता है। एक अच्छे इंसान को गुस्सा दिलाना सबसे हानिकारक होता है। उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा मेरे सामने आके ये मत खा वो मत खा कहा ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। इडियट। वाह, क्या सीन है। ओह शिट, सही वक्त पर आया हूँ। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपनी बहन को कौरवों से बचाने के लिए अंतिम घड़ी में आए थे ना, वैसे ही देश पांडे। यू आर ग्रेट बट बच्चन यू आर नॉट ग्रेट, यू आर अ चीट। तुम्हें यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया इंस्पेक्टर। अपराध को रोकने के लिए पुलिस को किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती बच्चन। लेकिन इंस्पेक्टर यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन होने वाला है और उसे रोकने के लिए ही मैं यहां आया हूं। सर क्या है ये सब? धोखा, फ्रॉड, मिस्टर नटवरलाल, श्री 420। हाँ? इंस्पेक्टर अपनी बकवास बंद करो, समझ गए? मैंने तुम्हें उसी दिन वॉर्न किया था ना, इस पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें धोखा देगा और उस लड़की के लिए धोखा करेगा कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं। देखिए इंस्पेक्टर आप यहाँ से देखा गुस्सा कैसे बाहर आ रहा है, कहीं मैं सच ना बता दूं सोचकर। है जो बताना सीधे बता। देखती रहना, सच्चाई बताते ही मुझ पर हाथ उठाएगा, फिर भी मैं सच्चाई बता कर रहूंगा। आई विल ओनली स्पीक द ट्रूथ। वो सच क्या है बताइए ना इंस्पेक्टर। अंजलि तुम क्यों इसकी बातों में आके? ए
ये तुम्हें जो अंगूठी पहना रहे ना वो सेकेंड हैंड। व्हाट? मैं किसी और को पहनाई हुई अंगूठी तुम्हें पहना रहा है। इसका मतलब तुम भी सेकंड है इंस्पेक्टर। किसे पहनाई थी? तुम भी ना अंजलि। मोनिका मोनिका मोरिका ओ माय डार्लिंग। सच बताने पर मुझ पर हाथ उठाएगा। मैंने कहा था ना। फिर भी आई डोंट केयर। हाथ दो। हाँ क्योंकि इस मार से ज्यादा तुम्हारा भविष्य इंपॉर्टेंट। जस्ट लीव दैम। ओए कांस्टेबल्स, बच्चन को लव स्टोरी का ट्रेलर दिखाना। हे मिस्टर बच्चन, उसे अंगूठी पहनाने के बाद मोनिका ने चिल्लाकर दुकान में सबके सामने कुछ कहा। क्या कहा? ए चुप कर, चल रास्ता ना, रास्ता ना। हे नगरलाल, मेरे पास ये देख सबूत है। अंजलि तुम इसकी बात मत सुनना। ये उस जयराज। गाइस वी आर एंगेज्ड, वी आर एंगेज्ड, वी आर एंगेज्ड। कह दो कि नहीं कहा? अंजलि ये बहुत बड़ा कहा था क्या? टेल मी भरत, उसने ऐसा कहा था क्या? अंजलि टेल मी, जस्ट टेल मी। अरे हाँ, पर पहले मेरी बात तो सुनो अंजलि। वो इस पर यकीन मत करना, इस पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। हे मुझे बता, बता। मैं बताता हूँ। तो इसे धोखा नहीं दे रहा है? अंजलि देखो ये मुझसे बात। अंजलि मेरी बात सुन। हाँ धोखा दे रहा हूँ। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? अंजलि सुन लिया ना, सुन लिया ना। हे बस इंस्पेक्टर, बहुत हो गया। इसकी बात मत सुनो, ये वीडियो देखो, बहुत लफड़ा है। लव प्यार कुछ भी ना होते हुए इतने प्यार से किसी को झप्पी मारना मैंने अब तक अपने करियर में किसी फिल्म में ही। अंजलि किचन में गई है और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, कहने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही है। अंजू बेटी दरवाजा खोलो। अंजू क्या कर रही हो? रुको, इस पेशेंट का यहां इलाज नहीं होगा, बाहर करो इन्हें। डॉक्टर ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, इसकी जान बचाइए प्लीज। yes! जान बचाना ही डॉक्टर का काम होता है और मैं भी वही कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं डॉक्टर, अब इसके लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? गेट लॉस्ट। इस पेशेंट को तुरंत यहां से बाहर निकालो। hey, रुको डॉक्टर, डॉक्टर ये वक्त जिद करने का नहीं है डॉक्टर, उसकी जान चली जाएगी। मैंने पहले ही कहा था डॉक्टर को भगाओगे तो जरूरत के वक्त तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेगा, डोंट यू रिमेम्बर? डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, शट अप एंड गेट लॉस्ट। डॉक्टर मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, मेरी बात सुनिए डॉक्टर, उसकी जान चली जाएगी। मैं जिंदगी में कभी मीठी चीजें नहीं खाऊंगा डॉक्टर, प्लीज प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस। अंजलि, अंजू, उठो अंजू, अंजू, उठो प्लीज, उठो। हम दूसरे हॉस्पिटल चलेंगे अंजू, 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 अंजू।
मैं वही करूंगा जो हमेशा करता आ रहा हूँ। अंजू, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तीन तक गिनूंगा, मैं तीन गिन के चुटकी बजाऊंगा और तुम्हें उठना होगा। वन टू थ्री। एक बार और वन टू थ्री। अंजू इंस्पेक्टर रमेश, आपसे पहले जो स्टेशन के इंचार्ज थे मिस्टर महेश देशपांडे, उन्होंने गुंडागर्दी के केस में महेश को अरेस्ट किया था, उनकी फाइल कहाँ है? एक पुलिस वाले होकर ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते थे, मतलब कुछ अजीब से कैरेक्टर थे, है ना? सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अच्छा? मिस्टर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहने के लिए ये कोई चाइनीज भाषा में सांगकुंग कोंग्या तांकुंग कोंग्या ऐसा कुछ कह रहे क्या जी? साफ शुद्ध हिंदी भाषा में आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आंसर प्रॉपरली ऐसे सही कहा ना सर? सर, इंस्पेक्टर महेश देशपांडे बहुत बड़े नास्तिक थे। ज्योतिषी, कुंडली, भविष्य, इन किसी भी चीजों में उन्हें विश्वास नहीं। उन्हें मारने वाला व्यक्ति हमारे स्टेशन में कभी नहीं आया सर। इंस्पेक्टर देशपांडे ने उन्हें अरेस्ट किया था, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। प्रॉपर्टी को लेकर डॉन जयराज उन्हें हमेशा धमकाता रहता है। मिस्टर जॉनसन नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं की थी क्या? इस तरह की कोई कंप्लेन यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई। डोंट प्ले विद मी। राज किसी से भी छुप सकता है लेकिन मुझसे नहीं। बी सिंसियर विद मी। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लिसन सर, इस साल सारे थानों में रजिस्टर हुई कंप्लेन 12 घंटे के अंदर मेरी टेबल पर होनी चाहिए। आपके हस्बैंड का हत्यारा भरत आपके हॉस्पिटल में कब आया था और आपने उसे क्या क्या ट्रीटमेंट दी, उसके सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। सॉरी सर, वो कौन है मुझे ये तक नहीं पता। उनके बारे में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवास अयंगर जो है वो ट्रीटमेंट के नाम से बहुत ही टॉर्चर किया करते थे, ऐसा हमारे कस्टडी में होने वाले मिस्टर भरत ने स्टेटमेंट दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नो, इम्पॉसिबल। उनके हाथों मेरे पति का खून होने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, ये जानने के लिए हमारे पास जितने भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड थे वो सभी हमने चेक किए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस भरत ने आपके पति को जान से मारने की कोशिश की थी ना, वही बात दिल में रखकर जब भरत की प्रेमिका ने आत्महत्या करने की कोशिश की और जब क्रिटिकल कंडीशन में उसे यहाँ लाया गया, डॉक्टर श्रीनिवास अयंगर ने हम इलाज नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा था? ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। आप चाहें तो हमारे पूरे स्टाफ से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए। जयराज ने हमारी प्रॉपर्टी हड़पनी चाहे ऐसा तो नहीं है। तो क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए भरत से नहीं कहा था क्या? ऑफ कोर्स कहा था और जयराज को भी कहा था। जयराज ने हमें भरत से ज्यादा रेट दिलाया, इसीलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी जयराज को बेच दी। आप अपनी पति मोनिका को जरा बुलाएंगे? शी इज नॉट हियर। प्रॉपर्टी के बिकते ही वो लंदन वापस चली गई। यस सर। मिस्टर विजय कुमार, इमीडिएटली मेरे ऑफिस में आइए। मॉर्निंग। आइए विजय कुमार, ये आपकी तलाश में आए हैं। मीट द पेरेंट्स ऑफ भरत उर्फ बच्चन। नमस्ते। और ये हैं अंजलि के माँ बाप। नमस्ते। नमस्ते। आई एम रियली सॉरी अबाउट योर डॉटर। इतनी कम उम्र में उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए थी। एक तरह से आपकी बेटी की मौत की वजह हमारा डिपार्टमेंट ही है। I'm extremely sorry for that. सर, ऐसा लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आपकी बेटी अंजलि की इनके बेटे भरत से एंगेजमेंट होने वाली थी ना? एंगेजमेंट? एंगेजमेंट के दिन इंस्पेक्टर महेश देशपांडे ने फंक्शन में आकर टॉर्चर नहीं किया था? उस टॉर्चर की वजह से आपकी बेटी ने सुइसाइड अटेम्प्ट नहीं किया? उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज ना होने की वजह से आपकी बेटी मरी नहीं क्या? सर,
ये रही हमारी बेटी अंजलि। सॉरी सर, जिस दिन भरत ने खून किया हम ऐसे कोई भी शहर में नहीं था, शनि शिंगनापुर के मंदिर गए हुए थे, इसलिए हमें इस बात का पता बहुत देर से चला। इस तरह की कोई कंप्लेन यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। वो कौन है मुझे ये तक नहीं पता। जयराज ने हमारी प्रॉपर्टी हड़पनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। मतलब भरत ने हमें जो भी बताया वो सब झूठ था। झूठ है? हाँ सर, हमारी और आपकी नजर में वो झूठ ही है, लेकिन भरत की नजर में वही सच है। देखिए मैडम, हम पहले से काफी कंफ्यूज हैं, हमें और कंफ्यूज करके परेशान मत कीजिए। बात क्या है साफ साफ बताइए। भरत इज अ मेंटल पेशेंट, मानसिक रोगी है वो। हेलो भारत, मैं डॉक्टर रघुराम हूं, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। मेरे कुछ सिंपल सवालों का जवाब दोगे? मैं कोई पागल हूं जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। यस आई नो दैट, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। तुम मदद पुलिस की करने आए हो, मेरी नहीं। तुम डॉक्टर श्रीनिवास अयंगर के आदमी हो? हाँ, डॉक्टर श्रीनिवास के ही आदमी हो तुम, मुझे सब पता है। चाहे लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। मैंने जो सोचा वो मैं करके ही रहूंगा। कस के पकड़ो। काम डाउन भरत, काम डाउन। बचपन से ही वो बहुत प्रिंसिपल्स के साथ चला था। हमेशा अच्छा सोचना, हमेशा अच्छा करना ही मेरा मकसद रहा है। लेकिन उसने जो पेशा चुना था वो उसके प्रिंसिपल के विरुद्ध था। रियल एस्टेट, मतलब सब अनरियलिस्टिक, सिर्फ धोखा, झूठ और स्वार्थ। लेकिन इसे मैं बदल दूंगा, प्रिंसिपल्स और एथिक्स के साथ भी इस बिजनेस में फायदा हो सकता है, ये कहकर उसने ये काम शुरू किया। लेकिन नहीं हुआ, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। झूठ की छत्रछाया में रहने वाले इन लोगों को सच भी झूठ लगता है। इस टेंशन में उसे बहुत नुकसान होने लगा, यहां तक कि ऑफिस भी मेंटेन ना कर पाने जितनी प्रॉब्लम हुई। तब मैं बहुत टेंशन में था और तभी वो कमीने मेरी नजर में आए। तुमने खून किया है ये जानकर तुम्हारी प्रेमिका अंजलि को कितना दुख हुआ पता है? आपको कैसे पता? उसी ने मुझे बताया। Ha 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 ha!
जोक मारा ना इसलिए। जोक मारा? आपके हिसाब से मरा हुआ इंसान जिंदा ये जोक ही हुआ ना? हाँ। उसकी नजर में मैं मर चुकी हूँ। अगर कोई उससे ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ और विश्वास दिलाने की कोशिश करता है तो ये आपका भ्रम है डॉक्टर। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और मुझसे बात कर रही है, और फिर मुझे लगता है कि कहीं मैं भी इन पागलों के पीछे पड़कर पागल तो नहीं हो रहा हूं। यस ऑफिसर, वो डॉक्टर और वो इंस्पेक्टर मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे। भरत की ये कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब भूल भुलैया फिल्म में विद्या बालन जी ने मौंजिलिका बनकर आजा ऐसा गाना गाती थी ना, वही बीमारी है क्या? नहीं, उससे भी बड़ी। इस मर्ज का पेशेंट जो है वो बाहर की दुनिया के लोगों के संपर्क में होते हुए भी अपने ही किसी भ्रम की दुनिया में जीता है। This is purely delusions and hallucinations. आपकी बात मेरे पले ही नहीं पड़ी सर। 3+3 कितना होता है? 6। 3 × 3? 9। गलत है। 3 से 3 जोड़ने पर या 3 से 3 मल्टीप्लाई करने पर भी जवाब 3 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ नंबर जो है वो 3 ही है। एक मायने में तो सही है, लेकिन लॉजिकली गलत ही है ना? करेक्ट। लॉजिकली मतलब तर्क संगत रूप से सोचने पर वो आपको गलत लगता है, लेकिन भरत जैसे मरीजों के लिए वही सही लगता है, क्योंकि क्या है उनके जो विचार हैं वो हमेशा तर्क संगत रूप में नहीं रहते। आंखें रस्सी को देखती हैं तो भी दिमाग उसे सांप समझता है, कानों पर घंटी की आवाज पड़ने पर भी दिमाग उसे गोली की आवाज समझता है। कोई व्यक्ति सामने नहीं होता फिर भी वो सामने है समझकर उससे बातें करते हैं, और तो और जिंदा व्यक्ति को मरा मानकर उन्हें लगता है जैसे भ्रम है। अब जिंदा अंजलि को भरत भ्रम समझता है ना, उसी तरह। लेकिन इस स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हर किसी पर शक करते हैं, बिना किसी कारण कुछ लोगों से नफरत करते हैं, और कभी कभार तो वो उसे मारना चाहते हैं ये समझकर आत्मरक्षा के नाम पर उनका खून भी कर देते हैं। जुलाई सन 2012 को इंस्पेक्टर महेश देशपांडे की हत्या और उसी दिन हुई डॉक्टर श्रीनिवास अयंगर की हत्या, इन दोनों ही प्रकरण में आरोपी भरत भागी है, ये बात पूरी तरह अदालत में साबित हो चुकी है। लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बताए जाते, वे पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते, इस बात की पुष्टि होने तक ये अदालत इस मुकदमे का फैसला मुलतवी करती है और आरोपी का बेहतर इलाज हो सके ऐसा आदेश देती है। हेलो, मैं अस्पताल का सिक्योरिटी बोल रहा हूँ सर। भरत नाम का पेशेंट हम सबको पीटकर यहाँ से भाग गया है सर। व्हाट? इज वेरी डेंजरस। उसके घर के पास पूरी टीम को भेज दो, वो कभी भी वहां पहुंच सकता है। और हाँ, उसके फरार होने की खबर मीडिया को बता दो। उसके अंदर अभी इतना गुस्सा है, मतलब शायद वो अभी किसी को जान से मारने की फिराक में है। उसकी कहानी के मुताबिक उसे टॉर्चर करने वाले 3 लोग हैं, जिनमें से एसआई और डॉक्टर को वो पहले ही मार चुका है। अब बचा है सिर्फ जयराज।
क्या स्टाइल है, क्या तेवर है। भगवान, अगर अगला जन्म देकर तूने मुझे दुनिया में भेजा तो ऐसे पागलों के केस के बारे में तहकीकात करने वाले काम के बजाय मुझे जयराज के जैसा डॉन बना देना, मैं भी ऐसी बिंदास जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार साहब। मैंने बैठने को कहा क्या? ठीक है तो नहीं बैठता हूँ मालिक, आपके सामने बैठने की हिम्मत भी कहा है हमें। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो धंधा कैसा चल रहा है, डराने धमकाने वाला रियल एस्टेट का? अरे रे रे, ये क्या कह रहे हैं मालिक, वो धंधा छोड़े हुए तो मुझे जमाना हो गया है। अब ना मैं पॉलिटिक्स में होता रहा हूँ, ऐसे समय में अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मेरा करियर तो चौपट हो जाएगा ना साहब। जान रहेगी तभी तो नाम रहेगा। मतलब तो इसे जानता है क्या? इसे तो पूरा देश जानता है मालिक, मैं क्यों नहीं जानूंगा। इसने तो डबल मर्डर किया है ना, पागल है क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले तूने इसे देखा था या नहीं। एक डीलिंग के दौरान मुलाकात हुई तो थी, छोटी सी बात के लिए थोड़ी अनबन हो गई थी, आदमी थोड़ा तेज लगा था इसलिए मैं शांत हो गया था। वैसे बात क्या है मालिक? क्या है कि अब तुझे मारने के लिए वो तुझे ढूंढ रहा है। इतनी सी बात के लिए? मैं तो दोबारा कभी उसके सामने आया भी नहीं हूँ मालिक, फिर भला मुझसे दुश्मनी क्यों है उसे? उसके भ्रम के मुताबिक तूने उसे बहुत ही तड़पाया है। मैंने? हाँ, इसीलिए तुझे मारने के लिए वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला है। मालिक, कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए मालिक, मेरी 2 बीवियां, 5 बच्चे, 300 करोड़ की जायदाद, इन सबको छोड़कर इतनी जल्दी मैं परलोक नहीं जाना चाहता हूँ मालिक। मालिक, दुश्मन अगर समझदार हो तो उसे किसी तरह समझा कर ठीक कर सकते, पर यह आदमी तो पागल है मालिक। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह मुझे बचा लीजिए मालिक। मालिक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बताऊं क्या? मैं खुद को सरेंडर कर देता हूँ, किसी छोटे मोटे केस में मुझे अंदर कर दीजिए, और जब तक आप इस पागल को पकड़ के अंदर ना कर दे मुझे भी बाहर मत निकालिए, बस इतना कर दीजिए। जेल में जगह खाली नहीं है। क्यों सर? फिलहाल पूरी जेल पॉलिटिशियन से भरी। क्या कह रहे हैं? तो एक काम कर, बाहर ही रह, थोड़ा संभल कर। जैसी आपकी मर्जी मालिक, वैसे चश्मा लगाने के बाद आप एकदम हीरो लगते हैं। डॉन मतलब किसी शेर से कम नहीं होता समझा था, मगर ये साला चूहा निकला। हे भगवान, कृपया मुझे मेरा एप्लीकेशन वापस दे दीजिए, आधा शेर और आधा चूहे की तरह जीने से पूरा चूहा बनकर जीना अच्छा है। भाई आ गए। गुड नाइट भाई। सब रेडी है ना? हाँ भाई। और लड़कियां? सब अंदर मुंह पर आटा लगा रही हैं भाई। क्या मेकअप कर रही हैं भाई? मिनिस्टर लोग आ गए क्या? मिनिस्टर तो नहीं आए, लेकिन एक्स मिनिस्टर आ गए हैं। कौन? ब्लू बॉयज। ब्लू बॉयज? ओ आ गए। चुप चुप के रेस्टो में वीडियो देखने वाले ऐसा लाइव शो छोड़ेंगे क्या? भाई अगर आप इलेक्शन में जीत गए ना तो इस लाइव शो को भी हम बजट में शामिल कर देंगे भाई। अच्छा, जा अपने सारे आदमियों को बुला कर ला। ए, तुम सब लोग ध्यान से सुन लो, वो डबल मर्डर करने वाला पागल मेरा मर्डर करने के लिए हॉस्पिटल से भाग निकला है, वो यहाँ पर भी आ सकता है, आने दो, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए, समझे कि नहीं? समझ गया। हाँ भाई, हाँ भाई, तो जाओ भाई, जाओ यहाँ से भाई। क्या है भाई? हा? आपके लिए मंत्री जी। अच्छा? का फोन है। दो, 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 दो। हाँ कहिए गुरुजी। ठीक है मंत्री जी। ये क्या भाई, आपके चेहरे पर 12 बज गए। अरे यार, गुरुजी को अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ रहा है, पार्टी में नहीं आ सकते। अरे रे, गुरुजी के बगैर ये पार्टी कैसे होगी भाई? चेले लोग हैं ना भाई। आए? कौन बे? ब्लू बॉयज। कौन है बे? Go!
बच्चन। ए, देख क्या रहे हो, जान से मार डालो इसे। भाई तबियत तो ठीक है ना? ये आदमी है या शैतान? मेंटल हॉस्पिटल का खाना खा के भी इतना स्ट्रांग है, अगर इसे हमारे जैसा मांस मच्छी का खाना मिलता तो पता नहीं क्या होता। और क्या, तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा देगा। भाई आ रहा है, भागो। चुप कर बैठा है भाई। अरे मैं हूँ भाई। अरे पुलिस को फोन लगाइए भाई, जल्दी लगाता हूँ। भगवान, टेंशन में याद ही नहीं रहा। हेलो मालिक, मालिक वो पागल यहाँ पर आकर हमारे आदमियों को पटक पटक कर रहा है। कुत्ते की तरह मार रहा है, बोलिए ना। कुत्ते की तरह मार रहा है, कुत्ते की तरह मार रहा है। फिलहाल तू कहाँ है? एक टेबल के नीचे छुप के बैठा हूँ मालिक। गुड भाई, छुप कर रहना, उसके सामने बिल्कुल मत जाना। मैं अभी आ रहा हूँ। मालिक, मालिक क्या कहा भाई? मेरी गन। अरे मुझे क्या पता भाई, भाई क्या चले? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? क्यों मेरी जान लेने पर तुला हुआ? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। सर, मुझे लगता है उस बच्चन ने अब तक जयराज के टुकड़े टुकड़े करके चील कवों को खिला दिया होगा सर। क्योंकि सर वो जयराज जिंदा या मर गया है कुछ पता नहीं चल रहा है सर, इसलिए ऐसा लग रहा है सर। आगे से अपनी सोच को अपने दिमाग में रखना, मतलब बिना कुछ कहे अपनी सोच को दिमाग में रखकर अंदर ही अंदर सोच सोच कर टेंशन ले लेकर मैं भी उसकी तरह मेंटल बन जाऊं क्या सर? तुम पुलिस स्टेशन से ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल में रहने के लायक हो, जाओ। मैं एक एडवोकेट हूँ, आप मेरे साथ ही ऐसा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विजय कुमार, जरा 10 मिनट इंतजार करेंगे, थोड़ी इमरजेंसी है। नो 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 नो, आई कांट वेट एनी फर्दर। 2 महीने से पुलिस स्टेशन का चक्कर काट काट के परेशान हो गया, अब और नहीं रुक सकता। देखिए सर, एक डेंजरस क्रिमिनल पागल खाने से फरार हो गया है, उसके बारे में थोड़ा मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ सर। पहले आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए बस। हेलो, क्या प्रॉब्लम, क्या है आपकी? सर 2 महीने पहले यूनिटी सर्कल के पास कोई एक पागल आदमी मेरा एक्सीडेंट करके भाग गया। ये देखिए मर गया, ये फ्रैक्चर उसी एक्सीडेंट से हुआ है। मैंने इमीडिएटली आनंद नगर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, उस कंप्लेंट में कार का नंबर भी मेंशन किया हुआ है। इतना ही नहीं सर, एक्सीडेंट की जगह पे सीसीटीवी भी था, फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ होगा, मंगवा कर देख लीजिए, ऐसा आइडिया भी दिया था मैंने। इतना सब होने के बाद भी 2 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, मतलब हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या? देखिए मिस्टर, आप सिर्फ अपने फेवर में बात मत कीजिए, इसमें आपकी भी गलती है। आपने कंप्लेंट में कार नंबर गलत लिखवाया था, गलत, और उसी वजह से इन्वेस्टिगेशन डिले हुआ है। परसों आपको यहां चीखते चिल्लाते देखकर हमारे डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई होगी ये सोचकर मैंने भी सीसीटीवी का फुटेज मंगवा कर देखा, आप भी एक बार देख लीजिए। रामप्रसाद, देखिए देखिए वहां, देखिए देखिए उसे, सिग्नल तोड़ के मेरा एक्सीडेंट करके वहां से भाग गया। वो पीछे वाले ने ब्रेक मारा इसलिए बच गया मैं, वरना आज की डेट में मैं आपके सामने जिंदा नहीं बैठा होता। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अरे क्या हुआ? आप चुप रहिए, रिवाइंड, उस रेड कार वाले पर जरा जूम करो।
सर ये वो बचन ही है ना सर। जुलाई 13 यूनिटी सर्कल मॉर्निंग 10:30। जिस दिन भरत ने खून किया हम में से कोई भी शहर में नहीं था। Oh my God. ये बच्चन सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं है, ही इज अ ब्रिलियंट आल्सो। व्हाट डू यू मीन? उसके किए हुए दोनों मर्डर्स प्री प्लान्ड थे। मतलब वो पागल ही है क्या सर? नो, पागल की एक्टिंग करने वाला अकलमंद आदमी। सच बताइए, वो साइकेट्रिस्ट भी आप ही का आदमी है ना? इसलिए भरत एक मेंटल पेशेंट है ऐसा सर्टिफिकेट दिया उसने। नहीं, उस डॉक्टर की बात सच है, क्योंकि भरत उन्हें उनके ट्रीटमेंट को उनकी साइंस को भी हराने जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसे योगा आता है, मन की बात स्थिर रखने के विषय में कोई भी साइंस उसे हरा नहीं सकती। अच्छा तो इन हत्याओं के पीछे असली मकसद क्या है? बताएंगे तो न्याय दिलाएंगे। न्याय उन्हें दिलाया जाता है जिनके साथ अन्याय हुआ। हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। झूठ। नो, दैट इज द ट्रुथ। शट अप। अब तक तुमने जो भी बताया सब झूठ है। तुम भरत से प्यार करती हो सिर्फ यही सच है। वो भी झूठ है। मैं और भरत प्रेमी नहीं है। तुम एक औरत हो इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा। ओवर एक्टिंग छोड़ो और सच्चाई बताओ। अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाइए ऑफिसर, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूं वही सच है। भरत जिससे प्यार करता था वो मैं नहीं हूं, वो मेरी बहन अश्विनी थी। एमएस करके बहुत बड़ी डॉक्टर बनके गरीबों की मदद करना अश्विनी का सपना था। भरत भी उसके सपने को अपना सपना मानकर चलता था। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत, प्यार, फिक्र बेशुमार था। दीदी कहीं भी होती, कितनी भी बिजी होती, जब तक वो फोन करके गुड मॉर्निंग नहीं कहती भरत की सुबह नहीं होती। गुड नाइट कहने के बाद ही उनकी रात होती थी। पांच सालों में एक दिन भी बिना चूके ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन दिन भर भरत को अश्विनी का फोन ही नहीं आया। लाख कोशिश करने पर भी दीदी से उसकी बात नहीं हो पाई। शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी ये सोचकर भरत ने बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन दूसरे दिन भी वही चीज रिपीट होने के बाद भरत अपसेट हो गया। भरत ने दीदी के हॉस्टल, कॉलेज में हर जगह पता लगाया, लेकिन दीदी का कुछ पता नहीं चला। भरत की टेंशन और बढ़ती गई। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त फोन आया। हेलो। उससे फोन पर बात करने वाले आदमी ने अपना परिचय दिए बगैर ये कहा कि अगर अश्विनी के बारे में जानना है तो जल्दी सी बैलरी आ जाइए, और उसने फोन काट दिया। हेलो, क्या हुआ भरत? हेलो, मैं बेल्लारी के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, बताइए कहाँ है। हेलो,
मैंने ही आपको फोन किया था सर। सर क्यों मार रहे हैं सर? बता अश्विनी कहाँ? कहाँ अश्विनी? बता सर। मैंने अश्विनी बता मेरे क्या किया तूने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं आपको सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरा नाम शिवनाथ है, मैं एक मामूली किसान हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पे मेरा खेत है। आज से 3 महीने पहले मेरी गर्भवती पत्नी को यहाँ बेल्लारी के सरकारी अस्पताल में लेकर गया था। वहाँ मेरी मदद, मेरी पत्नी की जांच वगैरह सब अश्विनी जी ने की थी। बच्चे का ठीक से विकास नहीं हो पाया है लक्ष्मी बहन। मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी करके कम से कम आपकी बार तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं समझी नहीं, इससे पहले भी अबॉर्शन हुआ था? वो भी एक बार नहीं, 2 बार। इस बार भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन इसने जिद करके 5 महीने तक सीतापुर के स्वामी जी की सेवा की और गर्भवती बन गई। 4 साल से हमारे गांव में किसी को बच्चा नहीं हुआ। इस बात को लेकर कोई न कोई परेशान तो होगा ही ना। आप कौन सी गांव से हैं? राधे श्याम है, रामदेव पहाड़ी के पास ही है। बेमसाम, इस जीवन की मेरी तो बस एक ही इच्छा है, कम से कम एक बार मेरे पेट से एक बच्चा जन्मे और वो मुझे माँ कहकर पुकारे और उसकी पुकार सुनकर उसे मैं अपने गोद में लेकर जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। उसके बाद भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। मैं भी एक औरत हूँ लक्ष्मी बहन, आपकी इस परेशानी को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इस इच्छा को किसी भी कीमत पर मैं पूरी करके रहूंगी। जी चलिए रामदेव पहाड़ी उतरिए। हमारे गांव में ऐसी क्या समस्या है ये जानने के लिए मेरे पास एक दिन मेम साहब आई। देखिए ऐसा है हमारा गांव। ए चल जाके चढ़ी पहन भाग। हमारे गांव की देवी माँ की दया से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मेम साहब, लेकिन 4 साल पहले हमारे गांव का एक आदमी दारू पी के मंदिर में गया और देवी माँ की मूर्ति को उठा करके पानी में फेंक दिया। उस दिन से माँ का मिला हुआ श्राप इस तरह लोगों को सता रहा है। ये आवाज कैसी है? वहाँ पहाड़ी पर माइनिंग का काम चलता है, इस तरह रोज 10 बार डायनामाइट लगाकर फोड़ते रहते हैं। देखिए ये सब देवी के श्राप की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों की हालत को देखकर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, लेकिन सही बात का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ के कुछ डिटेल्स चाहिए। आपके गांव के लोगों के ब्लड सैंपल्स, पीने का पानी, यहाँ की मिट्टी, इन सभी के सैंपल्स चाहिए। So what? ये सब देखा कर तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? सर, इस माइनिंग के काम से देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है और प्रकृति का नाश हो रहा है, बस इतना ही लोगों को पता है। लेकिन मनुष्य की जान को खतरा भी है, ये बात वहाँ आसपास हो रहे माइनिंग के काम से साबित हो गई है। माइनिंग के दौरान उन्हें जो सावधानी बरतनी चाहिए वो उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए सर, आर्सेनिक नॉर्मल से 94.2% ज्यादा है, लेड 63.4% ज्यादा है, मर्क्यूरी 45.8% ज्यादा है। ये सब उनके पानी में मिला हुआ है,
धूल मिट्टी के जरिए ये सारा जहर वहाँ आसपास फैल गया है। वहाँ का पानी पीकर वहाँ के लोगों पर, जानवरों पर गहरा असर हुआ है। बहुत ही बुरा परिणाम हुआ है। पिछले 4 सालों से वहाँ की औरतों का 40 बार अबॉर्शन हुआ है। एक बच्चा भी नहीं बच पाया। ऑलरेडी 20 लोग मर चुके हैं और कुछ 60 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ओके, कूल कूल। What do you mean by cool, sir? ये सब देखकर हम शांत कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ करना नहीं चाहिए क्या? क्या? क्या करना चाहिए? सर, आप उस लक्ष्मी की केस हिस्ट्री पढ़िए। उनका 2 बार अबॉर्शन हुआ है। इस बार श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है सोचकर 4-5 महीने उस गांव से दूर रहने की वजह से उसका गर्भ ठहरा हुआ है। इस केस का सही पुख्ता सबूत है सर, इसी को सामने रखकर हम पुलिस में कंप्लेन दे सकते हैं। तभी माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखो अश्विनी, तुम बहुत दूर की सोच रही हो। इस बात को यहीं रोककर अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन सर, वहाँ इतने लोग तड़प रहे हैं, एनवायरनमेंट कितना बिगड़ रहा है। इससे तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? इसे तुम मेरी पर्सनल एडवाइस समझो या फिर सीरियस वार्निंग समझो। तुम इस बात को और आगे नहीं बढ़ाओगी। तुम्हारी वजह से हमारा कॉलेज इस मुसीबत में फंसे, ये मैं हरगिज नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। मेरी बात भी नहीं सुना जी, करो। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। देख लीजिए, मेम साहब भी आ गई। देखियो ना मेम साहब, इस बार आपकी दया से मुझे बच्चा हो रहा है, इसलिए महादेव स्वामी का नाम रखेंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ, और ये मुझे मना कर रहे हैं। अब देखिए ना मेम साहब, ये सब कुछ आपकी दया से हो रहा है, तो स्वामी का नाम क्यों रखें? रखना है तो आपका नाम रखना चाहिए ना। क्या हुआ मेम साहब, उदास क्यों हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। हौसला रखिए, हमें हौसला रखिए बोलकर चली गई। लेकिन उनके मन में कुछ बात थी जो उन्हें सता रही थी, ये मुझे उस दिन महसूस हुआ। अब से 1 हफ्ते पहले मेरी पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ। 4 साल के बाद एक बच्चा जिंदा पैदा होगा, ये सोचकर हमारा पूरा गांव अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुआ था। किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचाना है जिद से मेम साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने हम पर दया नहीं की, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बार मुझे अपने बच्चे की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे मेरे बच्चे को देखना नसीब हुआ है। अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना नसीब हुआ सिर्फ आपकी वजह से। आज मेरे मन को बहुत सुकून मिला। सच में आप हमारे लिए भगवान ही है। जान मेरे बच्चे की गई थी, लेकिन दर्द मेम साहब को हुआ था। इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। ये अन्याय और किसी के साथ ना हो, इसके लिए हमें कुछ करना होगा, और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर आंदोलन करना होगा, ऐसा कह के हम सबका हौसला बढ़ाया। अगले दिन सुबह ही हम सब जिला अधिकारी के पास जाकर नारा लगाएंगे, ऐसा फैसला किया। आगे क्या होने वाला है, शायद उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था, और शायद इसलिए कल रात को जाने से पहले आपका नंबर मुझे देकर गई। Thank you.
गूर, गूर, कौन है आप? क्या हुआ? वहाँ एक पूरे गांव को तबाह कर दिया गया है। वहाँ के लोग कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कौन सा गांव? कौन से लोग? डिटेल में बताइए। रामदेव के पास राधे श्याम नाम का गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। कल ही तो मैं वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से बात करके आई थी, अब देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। कम विद मी, मुझे वो जगह दिखाइए, आइए। सर यही लेफ्ट में जाना है। मुझे कहाँ जाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, सीधा चलो। कुछ गुंडों ने हमारे घरों में आग लगाई और पूरे गांव को तबाह कर दिया। उन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई लोगों की जाने ली। और जैसे ही मैंने मेम साहब को इंस्पेक्टर के साथ जीप में जाते हुए देखा, उनको ये सब कुछ बताने के लिए मैं उस जीप के पीछे दौड़ पड़ा। इंस्पेक्टर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? इस माइनिंग की वजह से ही ना गरीबों की जाने जा रही है। उन्हीं गरीबों के एक दाता है, उनसे तुम्हारी मुलाकात करवाने लाया हूँ। अश्विनी, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। यहाँ जो काम चल रहा है वो सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, मनुष्य की जान के लिए भी खतरनाक है। ये हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। उसे झूठा साबित करके बात को दबाता रहा, क्योंकि मैं इस जिले का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। अरे पापियों, तुम लोग इंसान ही नहीं हो। गैर कानूनी धंधे करके, बुरे काम करके, देश को लूटने के अलावा सब कुछ जानते हुए भी गरीब मासूम लोगों की जाने ले रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमारे खिलाफ कंप्लेंट करती है। वो लोग देख लेंगे, चलो।
हम अश्विनी के खून का बदला लेने ही वाले थे कि उस एसआई का बेंगलुरु में ट्रांसफर हो गया और डॉक्टर अयंगर बेलेरी मेडिकल कॉलेज का डीन होते हुए भी बेंगलुरु के अपने नर्सिंग होम में ज्यादा समय बिताता था। उन चारों को एक ही दिन में मारने का भारत ने प्लान बनाया। एसआई और डॉक्टर का मर्डर करने के बाद व्हाइटफील्ड में पब्लिक फंक्शन में मिनिस्टर मधुसूदन और जयराज को साथ में मारने का प्लान बनाया गया, लेकिन उन दोनों का नसीब अच्छा था इसीलिए उस दिन एक्सीडेंट में भरत पकड़ा गया। मकसद पूरा किए बिना पकड़े जाने पर क्या करना है ये प्लान भी भरत ने पहले ही बना लिया था। उस प्लान के मुताबिक ही उसके पकड़े जाने पर हम सब ने आपको उसके पागलपन की झूठी कहानी सुनाई। भरत इस वक्त कहाँ है? यहाँ आप कहानी सुनते बैठे रहेंगे और वहां वो कहानी खत्म कर देगा। We'll be right back.
माना कि तुमने उनका खून जाति दुश्मनी के लिए किया है, लेकिन तुम्हारे इस काम से हमारे देश का भला हुआ है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर नजरअंदाज करना ही ठीक होता है। कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मुख्यमंत्री मधुसूदन और उनके साथी जयराज का निधन हो गया है। बैलरी में स्थित उन्हीं की इस माइनिंग कंपनी में ये हादसा कैसे हुआ, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि वहाँ जो माइनिंग का काम होता था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था और इसी की वजह से आसपास के वातावरण को भी काफी हानि पहुँच रही थी। कई दिनों से शहर में अशांति दहशत फैलाने वाले भरत उर्फ बच्चन नाम के मानसिक रूप से ग्रस्त आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर महेश देशपांडे और डॉक्टर श्रीनिवास अयंगर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी भरत उर्फ बच्चन ने जिन हालातों में उनका खून किया उस दौरान उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ऐसा डॉक्टर रघुनाथ ने अपने बयान में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इन दो सालों में उनका सही इलाज होने की वजह से उनमें अब काफी सुधार आया है, इसलिए ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। बच्चन ले, बच्चन ले, बच्चन ले।